ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से ये व्लॉग 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 और ये व्लॉग। क्या आप एक यूट्यूबर हो? क्या आप एक व्लॉगर हो? क्या आप पिछले 2 महीने से व्लॉग बना रहे हो पर आप मशहूर नहीं हो रहे, आपको व्यूज नहीं मिल रहे? क्या आप अच्छे कॉन्टैक्ट बना रहे हैं फिर भी यूट्यूब के बकवास एल्गोरिथम की वजह से लोग आपको डिस्कवर नहीं कर पा रहे? क्या आप रात को 2 बजे रंजीत के सॉन्ग सुनते हैं? क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप अभी तक सिंग कर रहे हैं। ओ सॉरी, इसको काट देना। आप चाहते हो कि आपकी वीडियो वायरल हो? क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी इमेज सेक्शन पे फर्स्ट लिखें? क्या आपकी वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती फिर भी आप जो थंबनेल है वो इंटरेस्टिंग बनाते हो ताकि थंबनेल की वजह से लोग आपकी वीडियो ज़रूर देखें पर फिर भी लोग वीडियो नहीं देखते? अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या इस वीडियो की तरह आप भी बड़े यूट्यूबर्स की पिक्स थंबनेल्स पर लगा सकते हैं और लगा के कुछ टाइम देखें क्या होता है। दूसरा, या फिर आप ये वीडियो पूरी देख सकते हो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन सकते हो। एनीवेज गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बड़े यूट्यूबर से शॉर्ट आउट कैसे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये तो बता दूं, मुझे अभी तक खुद नहीं पता कि बड़े यूट्यूबर से शॉर्ट आउट कैसे लेंगे। अरे पागल, तुम्हें खुद नहीं पता कि शॉर्ट आउट कैसे लेंगे और तुम हमें कैसे बताओगे? हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, हम लोग मिलके ये देखेंगे कि शॉर्ट आउट कैसे लिया जा सकता है। ठीक, ओके, काफी बकवास हो गया, अभी कुछ करने का टाइम है। ओके, ये एक यूट्यूबर है, इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनके हिसाब से अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए तो ऐसे नहीं शॉर्ट आउट मांग लेना चाहिए कि शॉर्ट आउट दे दो, आपको भी उनको फेवर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अच्छा थंबनेल बना सकते हो तो आप उनके लिए थंबनेल बनाओ अच्छा से अच्छा, बदले में वो आपको शॉर्ट आउट दे देंगे। एक और टिप आपको मैं दे देता हूँ कि मतलब अगर आप किसी से शॉर्ट आउट मांगते हो तो भिखारियों की तरह नहीं मांगना, जैसे कि प्लीज शॉर्ट आउट दे दो। अगर आप अगले बंदे से डील कर रहे हो, आप डील कर रहे हो उससे, आप थंबनेल बना के दे रहे हो, आपको शॉर्ट आउट देगा, इसलिए डील के तौर पे आप उससे बात करें, आप उससे एक व्यापार डील कर रहे हैं। ठीक है, तो डील करनी है उससे, भिखारियों की तरह नहीं मांगना। ठीक है, कि शॉर्ट आउट दे दो, शॉर्ट आउट दे ये ऐड। और जितनी ज़्यादा डिटेल में आप ये बात लिखोगे ना उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अगले बंदे को ये तो होगा ना कि इस बंदे ने मेरे साथ डील करनी है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ना। तो आज मैंने फर्स्ट DM किया है तो वो देखते हैं कि आई मेक अ गुड थंबनेल, प्लीज़ गिव मी शॉर्ट आउट। आमतौर पर लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्मॉल यूट्यूबर्स से DM करना स्टार्ट करते हैं, मतलब स्मॉल से फिर उससे ऊपर से DM करते हैं, मगर मैंने इसका उल्ट किया है, पहले सबसे बड़े यूट्यूबर्स को सेंड किया है। तो सबसे पहले क्यूटीपाई को मैंने मैसेज किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप, पेशेंट्स। अब अगला बंदा इतना वेला तो बैठा नहीं है, जैसे आप उसे DM करें तो उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दे, टाइम लगता है। सो पेशेंस इज द की नंबर 1। यस, ओके, 5 मिनट हो गए और कोई रिप्लाई नहीं आया PewDiePie से। अब मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को DM करके देखता हूँ। ओके, अब मैंने काफ़ी सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को DM कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैसेजेस, साथ में मैंने उनको अपने चैनल की प्रोफाइल भी सेंड कर दी है, शेयर कर, मैंने काफ़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लिंक शेयर की है, उनको DM किया है, पर अरफान भाई, अरफान जुनेजो, उनको मैंने DM नहीं किया। बट
उनकी प्रोफाइल में अपने डीएम पर लगाऊंगा। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग, एक फनी स्किटी समझ लो, पता नहीं कैसा था। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अगर पसंद आया तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो अल्लाह हाफिज़, आई सी यू टुमारो।